नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज चंचल कुमार शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इतिहास के फाउंडेशन कोर्स में हमारे आपका एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास की हमारी इस पुस्तक के माध्यम से, मिस्टर रामशरण शर्मा की ये पुस्तक है जिसके माध्यम से हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को इस समय कवर कर रहे हैं। और पिछले सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था हड़प्पा सभ्यता को, है ना। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा कर चुके हैं और अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि हम लोग अब वैदिक काल पढ़ने वाले हैं। तो आज का दिन प्राचीन भारत के इतिहास का दिन है। कल हम लोगों ने एम लक्ष्मीकांत का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसका हमने 22वां सेशन किया था, जिसमें मूल अधिकार हमारे सारे हो गए हैं, सिर्फ एक मूल अधिकार बचा हुआ है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि आप लोगों का किसी कारण से वो सेशन छूट गया है तो उसको भी देख लीजिएगा। और जो साइंस की क्लासेस आपकी चल रही हैं शाम को, जिसमें अभी सर आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जल्दी ही थियोरी की क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, उसको भी अटेंड कीजिए। और कल का दिन आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सभी को पता होगा कल से आप लोगों के लिए हम शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स। बहुत दिनों से काफ़ी सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि इकोनॉमिक्स की क्लासेस लगवा दीजिए इस चैनल पर, उसकी सीरीज़ स्टार्ट कर दीजिए, रमेश सिंह सर की पुस्तक स्टार्ट कर दीजिए। तो बिल्कुल बेसिक से यदि आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो कल से बीएल त्रिवेदी सर 12 बजे से ये सेशन स्टार्ट होगा। कल तो कल आपका मैराथन सेशन होगा और कल से आपका इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर। सभी को मेरी बात समझ में आ गई है। आज अभी 12 बजे आपका प्राचीन भारत का सेशन है, शाम को 6 बजे साइंस का है, कल से आपका इकोनॉमिक्स भी शुरू हो जाएगा। तो सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए यदि आप मेरी बात समझ गए हैं और आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो प्लीज़ यदि अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो भाई, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और इस चैनल को UPSC विद चंचल कुमार सर को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आप लोगों का मिल रहा है, काफ़ी सारे बच्चे प्रतिदिन हमसे जुड़ रहे हैं और 23,000 हमारे सब्सक्राइबर्स की संख्या अभी होने वाली है। तो इसमें आप सभी का बहुत बड़ा सहयोग है, बस इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा, जल्दी ही हम इस आंकड़े को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास के, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, चंचल कुमार सर ऑफिशियल के नाम से आपको टेलीग्राम पर चैनल मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नोट्स के लिए, PDFs के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो कल हम लोगों ने जो लास्ट बात की थी हड़प्पा सभ्यता की, और मैंने आपको बताया था उसके बाद आता है भारत में वैदिक काल, क्योंकि ये शुरू होता है आर्यों के आगमन से, है ना। इसकी शुरुआत होगी जब भारत में आर्य आए, और इस काल के बारे में जानकारी का जो हमारे पास मुख्य स्रोत है, और हम कहेंगे बल्कि एकमात्र साहित्यिक स्रोत है, वो है ऋग्वेद। तो इसीलिए इसको ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। उस दिन भी मैंने आपसे कहा था कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। पहला भाग जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में आपको मिलेगा, इसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल है उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। है दोनों वैदिक काल, पर क्या है ना कि उत्तर वैदिक काल में काफ़ी ज़्यादा संरचनाएं परिवर्तित हो गई थी, काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई थी। क्या बदला था वो भी हम देखेंगे, पर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दो अलग अलग काल माने जाते हैं। तो ऋग्वैदिक काल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि आर्य जो है वो भारत में आए। अब आर्य जो है कोई धर्म नहीं था, आर्य अपने आप में कोई, ठीक है, जाति नहीं थी। आर्य दरअसल भाषी बोलने वाले जो समुदाय के लोग थे उनको आर्य कहा गया, और आर्यों के मूल स्थान के बारे में आज भी मतभेद है, है ना। आज भी ये बात क्लियर नहीं है कि आर्य कहाँ के निवासी थे। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के आपको इतिहासकार, ठीक है, विचार देंगे। आर्यों का मूल स्थान अधिकांश इतिहासकार मानते हैं आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में, जिसको यूरेशिया कहा जाता है ना।
वहाँ से ये आए थे, वो इनका मूल स्थान थे ये लोग मानते हैं। ये आगे बढ़े तो मध्य एशिया की तरफ आए और वहाँ से भारत की ओर आए, और ये चीज़ हम लोगों ने उस दिन भी डिस्कस कर ली थी कि लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास आर्यों का भारत में आगमन हुआ है ना। ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी थी। ये भी मैंने आपको बताया था कि आर्य जो ये लोग थे ये नदियों और वनों से भी परिचित थे, और इनका मुख्य व्यवसाय खेती नहीं था। ऋग्वेदिक काल की बात करूं तो उस काल के लोग खेती नहीं करते थे, क्योंकि एक जगह पर ये टिकते नहीं थे, ये लगातार एक से दूसरी जगह तक मूव करते रहते थे और आगे बढ़ते रहते थे। तो इनका मुख्य व्यवसाय खेती नहीं हो सकता था, क्योंकि उसके लिए एक जगह पर रहना होता है स्थायी रूप से। इनका मुख्य व्यवसाय था पशुचारण, इनका मुख्य काम था पशुओं को चराना। इनके पास ढेर सारे पशु हुआ करते थे, और पशुओं के लेकर ही ये लोग आपस में लड़ते भी थे, इनके विवाद भी। ये नए नए चारागाहों की खोज में रहते थे, अधिक से अधिक पशुओं को हासिल करने की कोशिश करते थे, और इस चक्कर में इनके युद्ध हुआ करते थे। कृषि भी करते थे, ऐसा नहीं कि ऋग्वेदिक काल के लोग कृषि नहीं करते थे, खेती करते थे, पर खेती का इनका इतना ज़्यादा उसमें जो ना मुख्य रूप से काम नहीं था, इससे कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट खेती में इन लोगों को नहीं था। लेकिन घोड़े का इनके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व था, और वो भी मैंने आपको बताया था। इसका कारण यही है क्योंकि उस ज़माने में न तो कोई बैलगाड़ी हुआ करती थी, न कोई ट्रेन हुआ करती थी, और न ही आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट के आपके बस या और कोई अन्य साधन हुआ करते थे। तो एक से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ये घोड़ों का प्रयोग करते थे, तो इनके जीवन में घोड़े का सबसे अधिक महत्व था। इन्हीं घोड़ों की वजह से ये लंबी लंबी दूरियां तय कर पाते थे, इन्हीं घोड़ों की वजह से आप देखेंगे कि ये युद्ध जीत पाते थे, ठीक है, कम समय में काफ़ी बड़े इलाके पर कब्जा कर पाते थे। तो घोड़े का एक अलग ही महत्व था। तो हमें आर्यों के बारे में शुरुआत में जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि कुल चार वेद हैं। वेद शब्द विद से बना है, इसका मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। आप जो वेद शब्द पढ़ते हो ना, ये संस्कृत भाषा के विद से बना है, इसका मतलब ज्ञान होता है। कई सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी, लेकिन वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं वेदों का एक और नाम है श्रुति? और श्रुति इन्हें क्यों कहा जाता है? श्रुति इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्रुति का मतलब होता है सुनना, ठीक है। पहले आजकल की तरह, ठीक है, पब्लिश नहीं हुआ करती थी बुक्स, तो ये जो ज्ञान हुआ करता था, ये ज्ञान एक गुरु या जो भी व्यक्ति उसको जानता था वो अपने शिष्यों को बोल के, ठीक है, और वो सुनते थे और प्राप्त करते थे। इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान जो है वो ट्रांसफ़र होता था। आपको शायद ये बात बड़ी आश्चर्यजनक लगे कि वेदों को अभी कुछ 100 साल पहले ही हमने संहिताबद्ध किया है, मतलब कि हमने इसको किताब की शक्ल दी है, वरना पहले ये जनरेशन टू जनरेशन ऐसे बोल के, ठीक है, मतलब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ सुन के आप पूरी हिस्ट्री याद करेंगे, आपके पास कोई नोट्स नहीं होंगे, आपके पास कोई किताब नहीं होगी, मेरे भी ये दिमाग में है और आपके भी ये दिमाग में चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पूरे के पूरे वेदों को पढ़ा जाता था, इसीलिए इनका जो है ना ये नाम पड़ गया श्रुति। अब हम बात करें तो वेद होते हैं चार, ठीक है, चार वेद हैं। सबसे पुराना और सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद, उसके बाद आप देखोगे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चार वेद हैं। और यदि इसमें से मैं अथर्ववेद को निकाल दूं, ठीक है, सिर्फ तीन वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, तो इनको इनको बोलते हैं वेद त्रयी, ठीक है, वेद त्रयी। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं आता है, तो वेद त्रयी में अथर्ववेद नहीं आता है, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, इनको मिला के बनता है वेद त्रयी। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, और उस दिन मैंने आपसे बताया था कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। एक ऐसी पुस्तक मानिए जिसके 10 चैप्टर हैं। मंडल का मतलब अध्याय, भाग, चैप्टर, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो 10 मंडल हैं इसमें, और 2 से 7वां जो मंडल है, जो चैप्टर है, सबसे ज़्यादा पुराने हैं, और पहला और 10वां सबसे बाद में जोड़ा गया। कई सारी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद जो है उसमें सबसे पुराना मंडल कौन सा है और सबसे बाद में जोड़े गए मंडल कौन से हैं, ठीक है, पहला और 10वां। ऋग्वेद की जो कई सारी बातें उस दिन भी मैंने आपको बताई थी कि ग्रंथ है जिसका नाम है जेंद अवेस्ता।
जेंद अवेस्ता दरअसल ईरानी भाषा का, पारसियों का बहुत पुराना धर्म ग्रंथ है, है ना, और उससे काफ़ी सारी भाषा जो है बातें हैं समान है ऋग्वेद में, इसीलिए कई लोग ये मानते हैं कि शायद इनका लेना देना ईरान से भी रहा हो, आर्यों का। तो ऋग्वेद के बारे में अगर हम बात करें, तिथि निर्धारण ये विवादास्पद है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि ये काल कौन सा था। हम सिर्फ अनुमान के आधार पर बता सकते हैं कि लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास ये काल शुरू हुआ था, और उतना ही हमें ऋग्वेद के बारे में भी जानकारी पता नहीं है। ऋग्वेद संहिता की रचना इस काल में हुई थी हम जानते हैं, और यही इस काल की जानकारी का एकमात्र साहित्यिक स्रोत है, इसीलिए इसको कहते हैं ऋग्वेदिक काल। अब हम अभी एक सभ्यता पढ़ के आए हैं, पिछले दो क्लासेस में, तीन क्लासेस में मैं आपको एक सभ्यता के बारे में पढ़ा चुका हूँ, हमने देखा, जिसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वो सब नाम हमने देखे। क्या देखा आपने? आपने देखा उस सभ्यता को, कितनी शानदार सभ्यता थी, कितनी भव्य सभ्यता थी, बहुत बड़े एरिया में विस्तारित थी, लोग समृद्ध थे, अच्छा खासा व्यापार था, कृषि अच्छी खासी अवस्था में थी, बेहतरीन नगर बसाए गए और काफ़ी बढ़िया सा नगर नियोजन किया गया। एक प्रकार से उस समय के हिसाब से देखें तो अपने आप में काफ़ी एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी, आधुनिक सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आती है वैदिक सभ्यता। काल के हिसाब से देखें तो आपको पता है कि पहले हड़प्पा सभ्यता का काल आता है, फिर वैदिक सभ्यता का काल आता है। तो इंसान हमेशा, आपको पता है, उत्कर्ष की तरफ जाता है ना। आज हमारे पास जो है इससे कल हमारे पास ज़्यादा ही होगा। मनुष्य समय के साथ, आपको पता है कि परिवर्तन संसार का नियम है, और आम तौर पर मनुष्य विकास में आगे की तरफ बढ़ता है ना। कोई व्यक्ति गांव में रहता है तो पढ़ लिख के वो शहर आ जाए, या गांव जो है शहर बन जाते हैं। हम देखते हैं कैसे कैसे तकनीक का, कैसे कैसे विज्ञान और तकनीक का विकास होता जाता है और मनुष्य जो है आगे बढ़ता जाता है। लेकिन जब हम इन दो सभ्यताओं को देखते हैं ना, तो आप देखोगे कि यहाँ हमारा डिमोशन हो गया। आम तौर पर लोग गांव से शहरों की तरफ जाते हैं, हम शहरों से गांव की तरफ आ गए। हम लोग जो है एक शहरी सभ्यता से एक नगरीय सभ्यता बन गए। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, वही वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। इसका कारण यह है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी ना, वो लोग जो हड़प्पा सभ्यता, वो वहाँ के मूल निवासी थे, उन्होंने उस सभ्यता को बसाया, और वो जिस एरिया में बसी हुई थी सिंधु घाटी के आसपास, वहाँ काफ़ी अच्छी उपजाऊ ज़मीन मिल गई उन लोगों को, उन्होंने काफ़ी तरक्की कर ली, उनका व्यापार चल पड़ा, इस वजह से वो उन्नत अवस्था में चली गई। और उस सभ्यता का इससे कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं है कि आगे जाके हड़प्पा सभ्यता के लोग वैदिक सभ्यता में, नहीं, हड़प्पा सभ्यता एक प्रकार से हम देखते हैं कि वो नष्ट हो गई, उसका पतन हो गया, और फिर ये नई सभ्यता, मतलब हमने शुरुआत की वापस फिर से, आप समझ रहे हैं कि हमने फिर से शुरुआत की, हमने उसी को आगे नहीं बढ़ाया, वो खत्म हो गई। उसके बाद हमारी नई सभ्यता आती है वैदिक सभ्यता, और यहाँ पर जो लोग वैदिक सभ्यता से जुड़े हैं वो बाहर से आए हैं। ऐसा माना जाता है कि आर्य जो वैदिक सभ्यता के पुरोधा माने जाते हैं, जिन्होंने इस सभ्यता को चलाया, इस सभ्यता से जुड़े हुए हैं, वो भारत के मूल निवासी नहीं हैं। कई लोग, आपको पता है, इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि आर्यों का आगमन भारत में बाहर से हुआ है। तो ये सभ्यता कैसी है? ये सभ्यता ग्रामीण है। आपसे इंटरव्यू वगैरह में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आप पढ़ के आए हो हड़प्पा सभ्यता नगरी सभ्यता है, तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण है, तो ऐसा क्यों हो गया कि हम काल में आगे बढ़ रहे हैं तो भी हम लोग उन्नति की जगह पीछे जा रहे हैं? हम कैसे जो है नगरीय से ग्रामीण हो सकते हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम रटते नहीं हैं, हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि जो भी हुआ तो वो क्यों हुआ। अब यहाँ आपको मिलेगी एक ग्रामीण सभ्यता। आर्यों का आरंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था, अभी मैंने आपको बता दिया है कि अगर हम देखें, और एक लाइन में यदि आपसे कोई कहे, मैं आपको लिखवाता हूँ, आप थोड़ा सा कॉपी पेन अगर लेके बैठे हो, एक लाइन में अगर कोई बोले कि डिस्क्राइब कर दो, एक लाइन में ऋग्वेदिक काल की सभ्यता को डिफाइन कर दो, तो क्या लिखेंगे? एक लाइन में लिखेंगे जनजातीय पशुचारण कबीलाई समाज। क्या लिखेंगे?
अपने आप में ये पूरा ऋग्वेदिक काल का मामला स्पष्ट करता है। क्या है ये? जनजातीय पशुचारण कबीलाई समाज। आगे समझ में कि नहीं समझ में आया? जनजातीय पशुचारण कबीलाई समाज का मतलब है कि ऋग्वेदिक काल का जो समाज था वो जनजातीय था। जैसे हमारे आमतौर पर आप देखो ना, जनजातियाँ रहती हैं जंगलों में, वनों में, तो इसी तरीके का जनजातीय समाज था। ठीक है, मतलब आपस में काफ़ी प्रेम से लोग रहते थे, कबीलों में रहते थे। जैसे कबीलों का कोई सरदार होता है और वो कबीले का मुखिया होता है, और उसका मुख्य काम होता है कबीले की रक्षा करना, कबीले के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। इसी तरह से ऋग्वेदिक काल में कबीला हुआ करता था, और उस कबीले को आप जनजातीय कबीलों की तरह देख सकते हैं, और उसमें भी ऐसे ही सरदार वगैरह हुआ करता था। करते क्या थे? पशुचारण। इसीलिए मैंने लिखवाया है जनजातीय पशुचारण कबीलाई समाज। ठीक है, तो अगर आप इतना समझ में आता है तो इसका मतलब है कि आप पूरा ऋग्वेदिक काल की इस व्यवस्था को समझ सकते हैं। कि ये आप देखोगे कि जैसे हमारे यहाँ पर राजा, अब ऋग्वेदिक काल में भी राजा था, पर वो राजा आपके ख्यालों में पलने वाले राजा जैसा नहीं था। आमतौर पर हमारे दिमाग में अगर ये शब्द आते हैं राजा, किंग, एम्परर, तो आपके दिमाग में क्या आता है? भव्यता, बहुत धनी आदमी, बड़े बड़े महलों में रहने वाला, सेना के साथ, ठीक है, अपने आलीशान महल में रह रहा है, कोठी में, किले में कहीं रह रहा है, जिसने कि रत्न और आभूषणों से जड़ित वस्त्र पहने हुए हैं, एक अलग ही छटा है, आभा है, एक दिव्य प्रकाश सा उसके साथ है, उसके आसपास बहुत सारे दास दासियां हैं। इस तरीके के हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है। लेकिन ऋग्वेदिक काल का जो राजा हुआ करता था ना, वो बहुत सीधा साधा और बहुत ही साधारण सा व्यक्ति हुआ करता था। कोई सेना नहीं होती थी उसके पास, कोई महल नहीं हुआ करता था उसके पास, ठीक है, कोई भव्यता नहीं उसके पास। वो आम लोगों की तरह ही, जैसे कबीलों में लोग रहते हैं ना, वैसे ही उनके साथ रहता था। और वो जो कबीले के लोग हैं उसके साथ के, वही उसकी सेना है। वही समय पर साथ पड़ने पर, जैसे हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा ना कि कुछ आजकल के युवा ऐसे होते हैं कि जो अपने साथ 10-20-50 को ले के चलते हैं, कि अगर कहीं कुछ विवाद हो गया, लड़ाई हो गई, तो फ़ोन लगा दे और 10-50 लोग वहाँ पर लड़ने के लिए उसके लिए आ गए। अब वो कोई राजा नहीं है, लेकिन उसकी सेना तैयार है, हमेशा तैयार है। कोई हॉकी लेके आ जाता है, कोई बेट लेके आ जाता है, कोई चेन लेके आ जाता है, कोई चाकू भी लेके आ जाता है। कभी कभी तो यदा कदा कई सारे ऐसे भी मित्र पाल लिए जाते हैं कि जो बंदूक भी लेके आ जाते हैं। इनका बस ना चले, वरना ये जो है एयरफोर्स भी रखे अपने साथ, ठीक है, MiG-21, MiG-29 भी रख ले अपने साथ, ये पूरी नेवी भी रख ले, और ये सारे के सारे टैंक और युद्ध पोत लेके चले अपने साथ। इस तरह के कई सारे आपने देखे होंगे अपने आसपास, छोटे मोटे कबीलाई राजा घूमते रहते हैं। तो ये ऐसा राजा था कि इसके कबीले के लोग ही इसकी सेना थी। ज़रूरत पड़ने पर वो इसका साथ देते थे, और वो इस कबीले की रक्षा में उसको पूरा सहयोग करते थे। आ गया समझ में? तो ये ऋग्वेद काल का समाज है। अगर आप देखो तो ऋग्वेद काल के समाज में आपको मिलेगा जनजातीय संघर्ष। भाई एक जनजाति दूसरे जनजाति से, एक कबीला दूसरे कबीले से लड़ता रहता है, कोई नई बात नहीं है, है ना, ऐसा चलता रहता है। तो इस तरीके से ऋग्वेदिक काल में भी यही सिस्टम था। अब देखो ऋग्वेद में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता का नाम आपको मिलेगा, क्योंकि धार्मिक लोग थे, ऐसा नहीं है नास्तिक लोग नहीं थे, है ना, धार्मिक लोग थे, और इनके सबसे बड़े देवता थे इंद्र। इंद्र के बारे में आपने भी देखा होगा, कई सारे धार्मिक सीरियल्स में आपने सुना होगा, स्वर्ग के अधिपति माने गए हैं हमारे यहाँ पर, इंद्र को हमारे यहाँ भगवान माना जाता है ना, ये भी आपको पता है। तो इंद्र जो है वो इनके सबसे बड़े देवता। ऋग्वेदिक काल की अगर मैं बात करूँ तो ऋग्वेद हमें ये बताता है कि उनके लिए सबसे प्रमुख रूप से इंद्र थे। आजकल हो सकता है कि हमारे यहाँ अब इंद्र को उतना महत्व नहीं दिया जाता, इंद्र को थोड़ा सा आपने देखा होगा छोटा देवता माना जाता है। जो दूसरे देवता हैं जैसे शिव है, भगवान विष्णु है, ब्रह्मा है, इन्हें बड़ा देवता माना जाता है, पर उस काल में ऋग्वेदिक काल में सबसे बड़े देवता इंद्र माने जाते थे। और इनको पुरंदर कहा जाता था, मतलब जो दुर्ग को, किलों को तोड़ सकता है, दुर्ग भंजक, दुर्ग तोड़ सकता है, किले तोड़ सकता है, तो सबसे बड़ा देवता, युद्ध का देवता इनका पुरंदर था इंद्र। आर्यों के जीत का कारण मैंने बता ही दिया, अश्व और अश्व से चलित रथ। ये लोग क्या करते थे, ये घोड़े, जो मैंने आपसे कहा कि इनके जीवन में घोड़ों का बड़ा महत्व था,
तो ये न सिर्फ घोड़ों का प्रयोग लंबी लंबी दूरियां तय करने में करते थे, बल्कि उन घोड़ों से ये रथ भी चलवाते थे, खिंचवाते थे। आमतौर पर आपने कोई महाभारत टाइप का सीरियल देखा हो, है ना, बीआर चोपड़ा का या और कोई भी, तो आपने देखा होगा कि वो जो रथ पे सवार होकर योद्धा जाता था तो उसमें घोड़े आपको दिख जाएंगे। तो अश्वचालित रथ जो है वो इनके पास थे। कवच वगैरह का भी यूज़ करते थे, इनके पास कवच, जैसे आपने देखा भी होगा कर्ण के पास में कवच और कुंडल की कथा हमको मिलती है, ठीक है। तो इस तरह के कवच मतलब एक प्रकार से इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो काम करते थे, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट्स होते हैं कि नहीं, उस टाइप के कवच इनके लिए होते थे, है ना। और इसके साथ हेलमेट में ये वो मुकुट पहनते थे। आर्यों में आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के संघर्ष हुए। दरअसल जब आर्य यहाँ आए तो आर्यों के, आर्य पांच कबीलों में बटे थे, ठीक है। इनके कुल मिला के पांच कबीले माने जाते हैं और इनके पुरोहित का नाम था विश्वामित्र, ठीक है। और इनके, ठीक है, भरत कुल, मुख्य रूप से जो कुल था भरत कुल, और उसके राजा का नाम था सुदास। तो कुल था भरत कुल, सुदास जो है वो राजा का नाम है और पुरोहित का नाम था विश्वामित्र। बाद में क्या हुआ कि विश्वामित्र की जगह इन्होंने वशिष्ठ को अपना मान लिया पुरोहित, तो विश्वामित्र नाराज हो गए, ठीक है, वो इनके खिलाफ भी हुए कुछ समय के लिए। तो आर्यों के जो परंपरा है उनके अनुसार ये पांच कबीलों में बटे हुए थे, इनको पंचजन कहते थे। पंचजन, पंचजन, जन मत पांच, पंच का मतलब पांच और जन का मतलब होता है कबीला। कालांतर में यही जन से जनपद बना और इसी जनपद से महाजनपद बना है। आपने आगे पढ़ा होगा ना, आप आगे जाके 16 महाजनपद पढ़ते हैं। तो ये 16 महाजनपद का कॉन्सेप्ट शुरू यहीं से होता है। सबसे पहले ये कुलों में बटे थे, कबीलों में बटे थे, और हर एक कबीले को आप बोल सकते हो जन। जन एक छोटा मोटा कबीला, गांव टाइप का हो सकता है या और भी छोटा मान लीजिए। आगे जाके ये जन बड़ा तो इसको जनपद कहने लगे। जनपद मतलब कि अब वो एक बड़ा गाँव हो गया या दो चार पाँच गाँवों को मिला के कोई एरिया हो गया। और जब इसी को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया, एक बड़ा साम्राज्य बना दिया गया, एक राज्य बना दिया गया, तो ये महाजनपद बन गया। ऐसे ये जुड़ते गए आपस में और जुड़ते जुड़ते जो है इन्होंने महाजनपद बताए। आपने साइंस पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा ना नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया, है ना। दो नाभिक मिला के बड़ा नाभिक बनाते हैं। तो इस तरीके से ये जुड़ते चले गए और इस तरीके से जन से जनपद और जनपद से महाजनपद की तरफ चले गए। राजा का रोल भी बदलता चला गया। राजा पहले एक दोस्त टाइप का, मित्र टाइप का व्यक्ति हुआ करता था, छोटा मोटा इंसान हुआ करता था। बाद में जब वो जनपद हो गया तो उसका प्रभाव बढ़ा, उसका व्यक्तित्व बढ़ा, उसकी शक्तियाँ बढ़ी। आगे जाके जब महाजनपद हो गया तो एक बड़ा सम्राट बन गया। अरे बात समझ में, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करिए। ये ऐसे ही चलता है मामला। बाद में मगध साम्राज्य दिखाई देता है आपको, अवंती दिखाई देगा, चेदी दिखाई देगा आपको, है ना। आपने देखे होंगे अंग हो गया, ये भी 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था। तो इस तरीके से इन्होंने जन पांच कबीले में ये बटे हुए थे, पंचजन कहलाते थे, मतलब पांच अलग अलग कबीले। भरत एवं त्रित्सु आर्यों के शासक वंशों में थे और उनके जो पुरोहित थे, ठीक है, वशिष्ठ एवं विश्वामित्र, पहले विश्वामित्र थे बाद में वशिष्ठ हो गए, और वशिष्ठ जो है वो दोनों वंशों के समर्थक थे। आखिरकार भरत वंश का 10 राजाओं के साथ में विरोध हुआ और उसमें 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे, मतलब जिनके साथ उसकी लड़ाई हुई सुदास की, 5 आर्य और 5 गैर आर्य, अनार्य कह सकते हैं। और इस तरह से 10 राजाओं के बीच में जो ये युद्ध हुआ भरत का, तो इसको बोलते हैं दस राज्य युद्ध। दरअसल इसका शब्द मतलब समझो, 10 मतलब 10, और राज्य जो होता है ना, नृप राज्य, ये सब राजा के लिए यूज किया जाता है। संस्कृत में आपको एक शब्द नृप भी मिलेगा, है ना, नृप राज्य सब राजा के लिए यूज किया जाता है संस्कृत में। हिंदी में मतलब राजा ही होता है, किंग, एम्परर। तो ऐसे 10 राजा थे जिनको युद्ध लड़ना पड़ा भरत के साथ, तो इसको 10 राज्य युद्ध कहा गया। और इस युद्ध में जो है आखिरकार भरत और 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ, और विश्वामित्र जो है वो भरत के सुदास के खिलाफ थे और वशिष्ठ ने इसका समर्थन किया। आखिरकार सुदास की विजय हुई उस 10 राज्य युद्ध में। ये युद्ध लड़ा गया परुष्णी नदी के किनारे। आजकल इस नदी को आप रावी नदी के नाम से जानते हैं। आपने
सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ा होगा, सिंधु नदी तंत्र पढ़ा होगा। सिंधु नदी में आप देखोगे कि कई सारी उसकी सहायक नदियां हैं, झेलम है, चेनाब है, इसके साथ रावी है, ब्यास है, सतलुज है, ये सारी नदियां सिंधु नदी तंत्र में आती हैं। भूगोल में आपने पढ़ा भी होगा। तो ये आजकल के नाम है। आपको ये बात भी पता होगी कि ऋग्वेद में इन्हीं नदियों के कोई और नाम माने गए हैं, तब सतलुज नहीं चलता था। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तब चेनाब नहीं था, अस्किनी बोलते थे। चेनाब अस्किनी जो है वो वैदिक नाम है, वर्तमान में उसको चेनाब कहते हैं। झेलम नहीं था, वितस्ता कहते थे उसको। वितस्ता मतलब आज की झेलम नदी। रावी नदी का उस काल का नाम माना गया है, पुरुषनी या परुषनी कहते थे इसको, रावी के नाम से आप जानते हो। बिपाशा कहा जाता था जिसको आजकल व्यास नदी कहते हैं, और शतुद्री कहा जाता था जिसे हम लोग सतलुज नदी के नाम से जानते हैं। तो उस काल में ये युद्ध हुआ परुषनी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, ठीक है। इस युद्ध में सुदास की जीत हुई और आखिरकार भरत वंश की जो है प्रभुता कायम हुई। ओके, भरत वंश। महाभारत में आपने पढ़ा होगा कि भरत के ही वंशज ये सब माने गए हैं। और आगे भी आप ये बात जानते होंगे कि जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम भारत ही था। जय संहिता था पहले तो एक्चुअली, ठीक है, जय संहिता। जय संहिता आगे जाके भारत बनी और भारत से वो महाभारत बनी। तो ये भरत वंश आपने सुना होगा, हमारा जो देश है इसका नाम भी भरत से ही बना है। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र माने गए हैं राजा भरत, है ना। और इन्हीं राजा भरत जो है इनको इतना साहसी माना जाता था कि वो सिंह के शेर के दांत गिन लिया करते थे, और इसीलिए इन्हीं से हम लोगों ने अपने देश का नाम भारतवर्ष रखा है। तो ये भरतों की प्रभुता कायम हुई और कालांतर में भरत और पुरु वंश में मैत्री हो गई, तो उससे एक नया वंश बना। देखो, भरत और इनके संबंध स्थापित हुए पुरु के साथ, एक और वंश, और एक नया वंश बन जाता है कुरु वंश। यदि आपने देखा हो महाभारत में तो कुरु वंश के लोग कौरव कहलाते हैं। सो कौरव, धृतराष्ट्र आपको पता है कि वो कौरव थे, उनके सो पुत्र थे। तो इन्हीं भरत और पुरु के आपस में मिलने से एक नया वंश आपको मिलेगा, कुरु वंश। ये सब हम लोग इतिहास में भी पढ़ते हैं, धार्मिक रूप से भी आपने सुना ही होगा। तो इन सारे लोगों की लड़ाइयाँ क्यों होती थी, क्यों लड़ते थे आपस में, इनके बीच विवाद की क्या जगह थी? विवाद का कारण सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बताया, विवाद का कारण था पशु। ये गाय को लेकर सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ते, सबसे पवित्र पशु माना गया है और उससे कई प्रकार के उत्पाद भी प्राप्त होते थे। एक प्रकार से जैसे आजकल हमारे मानते हैं ना, जिसके पास जितना सोना होता है तो उतना समृद्ध माना जाता है ना। तो वैसे ही जिसके पास जितनी गाय हुआ करती थी, है ना, उतना समृद्ध माना जाता था। तो एक प्रकार से ये कबीले इन्हीं पशुओं को लेकर लड़ते थे, इनके चारागाहों को लेकर लड़ते थे। पहले तो पशु ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा पशु आ जाए तो उनको चराने के लिए जगह चाहिए, तो कभी जानवरों को लेकर लड़ रहे हैं, कभी चारागाहों को लेकर लड़ रहे हैं। तो इसी प्रकार की इनकी लड़ाइयाँ होती रहती थी। इन्होंने अयस शब्द का एक प्रयोग किया है ऋग्वेद में। अब अयस का मतलब क्या है, ठीक है, अयस तांबे या कांसे के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, पर हमें एक चीज़ क्लियर है कि ऋग्वेदिक काल के लोग जो हैं वो धातु कर्म से परिचित थे, जैसे हड़प्पा सभ्यता के लोग थे। उन्हें भी आपको बताए कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो कांसा बनाना जानते थे। ऋग्वेदिक काल के लोग भी जो हैं आप देखोगे कि ये भी धातु कर्म से परिचित थे, हालांकि लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था अभी तक। ना तो हड़प्पा सभ्यता के लोग, ना ही ऋग्वेदिक काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे का आविष्कार अभी हुआ नहीं था। ये लोग तांबे से, कांसे से, इस तरह के धातुओं से परिचित थे। हम पढ़ते भी हैं मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु तांबा मानी जाती है। तांबे से परिचित थे और लोहे से भी थे, ठीक है। भरत एवं त्रित्सु आर्यों के शासक वंश थे, मैंने बता दिया। विश्वामित्र वशिष्ठ जो है इनके पुरोहित थे, है ना। इसी भरत कुल के आधार पर हमारे देश का नाम पड़ा है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, भारतवर्ष। आगे हम लोग देखें तो इनको और भी काफ़ी सारी चीज़ों का ज्ञान था, ऋग्वेदिक काल के लोगों को। ये लोग अगर भौतिक जीवन की बात करें तो बुआई कटाई वगैरह के बारे में जानते थे। खेती इनका मुख्य व्यवसाय नहीं था, लेकिन फिर भी खेती से जुड़ी हुई क्रियाओं से ये परिचित थे और खेती जो है ये
किया करते थे। ऋग्वेद में गाय और सांड की काफ़ी चर्चा की गई है, मतलब मुख्य रूप से इनके यही दो पशु थे, और भी बहुत सारे पशु थे इनके पास, पर मुख्य रूप से इनके पास ये पशु थे और ये पशु चारक कहलाते हैं। ठीक है, इसके साथ भूमि पर कोई निजी संपत्ति नहीं हुआ करती थी। अब अभी मैंने आपको बताया कबीलाई समाज था, आपको पता है कबीलाई समाज की क्या खासियत होती? कबीलाई समाज में या जनजातीय समाज में अगर आप देखोगे तो ऐसे व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती, जो कुछ भी होता है वो सबका होता है, सब लोग मिलके काम करते हैं और जो भी मिलता है उसको सब आपस में बांट लिया करते हैं। जैसे हमारे यहाँ चलते हैं ना कि एक गांव है, गांव में 50 घर हैं, 50 घरों की अपनी अपनी संपत्तियाँ हैं, अपनी अपनी भूमि है, ज़मीन है जिसपे वो खेती करते हैं और वहाँ से वो अपनी आय अर्जित करते हैं। जनजातीय समाज में अगर आप देखोगे आदिम काल से चला रहा है कि इनकी जो व्यवस्था है वो सामूहिक है, ये सामूहिक संपत्ति में विश्वास रखते, व्यक्तिगत में नहीं रखते थे। जैसे आपने देखा होगा एक हमारे यहाँ भी खूट कट्टी के नाम से आपको आधुनिक भारत में एक परंपरा या प्रथा मिलेगी, खूट कट्टी। जिन बच्चों ने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रखा हो वो इस शब्द से परिचित होंगे कि जनजातीय समाज में इस प्रकार की खूट कट्टी की परंपरा या प्रथा मिलती थी, और अंग्रेजों ने इसको भी ठीक है ख़त्म करने की कोशिश की, इसमें भी दखल दी, और भारत में जितने भी आधुनिक भारत में आप जनजातीय संघर्ष पढ़ते हैं ना, आपने पढ़े होंगे ना कई सारे जनजातियों के विद्रोह, मुंडा विद्रोह, भील विद्रोह, खासी विद्रोह है ना, या संथाल विद्रोह, तो ये जो आदिवासियों के विद्रोह हुआ करते थे अंग्रेजों के काल में, तो उस विद्रोह में बहुत सारे कारण थे, उसमें एक कारण ये भी था कि अंग्रेजों ने जनजातियों की परंपराओं में दखल दिया, उनकी संस्कृति में दखल दिया और उनको जो है अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की। अब जनजातीय लोग क्या होते, बड़े सीधे साधे भोले भाले लोग होते हैं, वो अपने प्रकृति से बड़े प्रेम करते हैं, आपस में बड़े भाईचारे के साथ रहते हैं, ठीक है, और अगर उनके कबीले की तरफ कोई आँख उठा के भी देखता था तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करते थे, ठीक है, वो बहुत सख्त हुआ करते थे बाहरी लोगों के खिलाफ। आज भी आपको भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ऐसी जनजातियाँ मिल जाएंगी कि आप अगर उनके एरिया में गए तो वो आपको वापस नहीं आने देंगे। सेंटिनलीज का नाम आपने सुना होगा, और भी इस प्रकार की जनजातियाँ भारत में आज भी है जो अपने इलाकों में बाहरी लोगों को बर्दाश्त नहीं करती। अभी कुछ दिन पहले लक्षद्वीप वाला मैटर भी चल रहा है, आपको पता है लक्षद्वीप को लेके हम लोग इतना प्रमोट कर रहे हैं, पर लक्षद्वीप में एक समस्या हमारे साथ है। समस्या यही है कि लक्षद्वीप में 95% लोग जो है वो जनजाति है, तो कम से कम थोड़ा सा उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। आदिवासियों की जनजातियों के हितों की रक्षा करना भी संविधान का कर्तव्य है, इसीलिए संविधान जो है आदिवासियों जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए आपके भारत के आबाद संचरण के अधिकार पर थोड़ा युक्तियुक्त निर्बंधन लगाता है, तो इसीलिए परमिट की व्यवस्था है। अगर आप लक्षद्वीप जाते तो ऐसे मुंह उठा के नहीं जा सकते कभी भी। लक्षद्वीप भले ही भारत में आता हो, हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, हमारा अभिन्न अंग है, सब कुछ है, फिर भी लक्षद्वीप जाने के लिए आपको परमिट लेना पड़ता है। अरे बात समझ में कि नहीं आ रही? और ये सब इसीलिए क्योंकि हम अपने जनजाति भाई बंधुओं को परेशान नहीं करना चाहते, उनको उनका जीवन जीने देना चाहते हैं, पर अंग्रेजों ने नहीं किया ऐसा। अंग्रेजों ने जो किया उसी वजह से इन्होंने विद्रोह कर दिए इतने सारे। ऋग्वेद में आपको कई प्रकार के शिल्पों का उल्लेख मिलेगा, ये कलाकार लोग भी थे, ठीक है, मशीनों के ठीक है आविष्कार के पहले, औद्योगिक क्रांति के पहले दुनिया भर में वस्तुओं का उत्पादन हाथ से ही होता आया है। प्राचीन काल से लेके तो अभी तक औद्योगिक क्रांति तक आप देखोगे कि वस्तुओं का उत्पादन हाथ से होता है, चाहे वो आपकी उपयोग की वस्तुएं हो, चाहे वो आपके कपड़े हो या कोई भी हो। ऋग्वेदिक काल के लोग भी ऐसे हाथ से कई सारी चीज़ें बनाया करते थे, ये भी बड़े शिल्पी और कलाकार लोग थे। इनमें बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार सब आपको मिल जाएंगे। हाथ से बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहा जाता है, रथ बनाने वाले को रथकार कहा जाता है। कार मतलब बनाने वाला, निर्माण करने वाला। दरअसल ये जो कुम्हार शब्द है ना, ये संस्कृत के कुंभकार से बनता है। हम तो कुम्हार कहते हैं, आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया हो कि कुम्हार कोई शब्द नहीं होता, दरअसल शब्द है कुंभकार। कुंभ का मतलब होता है बर्तन, संस्कृत का शब्द है कुंभ जिसका अर्थ होता है बर्तन, और कार का मतलब होता है निर्माण करने वाला। बर्तन निर्माण करने वाले व्यक्ति को कुंभकार कहा जाता है, और उसी कुंभकार से हमने कुम्हार बना लिया। ऐसे
कई शब्द हैं हिंदी में जो संस्कृत से हमने लिए और हमने जो है इनके शब्द बदल दिए हैं। बात समझ में आई मेरी? क्लियर? तो जैसे रथ का, अभी आपको आपने सुना हो एक और शब्द में आपको होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा शब्द हमारे यहाँ लोग यूज करते हैं, सुनार। सुनार नहीं होता है एक्चुअली, सुनार शब्द नहीं होता, ये तो हमने बना लिया, तो हमारी प्रचलित भाषा में हो गया। स्वर्णकार होता है, स्वर्णकार, सोने का काम करने वाला, सोने के आभूषण बनाने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? स्वर्णकार कहते हैं। पर स्वर्णकार बोलना थोड़ा सा हिंदी में ना हम लोग समय के साथ, आपको पता है अपभ्रंश वगैरह हो जाता है, अवहट वगैरह आप लोग पढ़ते होंगे, तो क्या होता है स्वर्णकार से बन गया सुनार। जूलर्स जिसको कहते हैं हमारे यहाँ, ज्वेलरी बनाने वाले को जूलर्स कहा जाता है, तो स्वर्णकार शब्द से बन गया सुनार, कुंभकार से बन गया कुमार, ऐसे ही चलते थे। तो ये इस प्रकार के कई सारे लोग मिलेंगे आपको। फिर आप देखो, मैंने अयस्क तो बताई दी आपको कि अयस्क मतलब कि धातु से जुड़ा हुआ है, जो तांबे या शायद कांसा हुआ करता था। ये समुद्र से भी परिचित थे, ये गुफाओं से भी परिचित थे, पहाड़ों से भी परिचित थे, वो तो होंगे ऑफकोर्स, इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं तो सब मिला होगा इनको रास्ते में। ठीक है, आगे समझ में? चलो, ऋग्वेद काल में आर्यों का प्रशासन तंत्र कबीले के प्रधान क्या था? अब बात करते हैं प्रशासन की, जनजाति राजव्यवस्था। अब राजव्यवस्था कैसी थी भाई? कबीले के लोग हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। समझ में आ गया? अब ये तो मुझे नहीं पता कि शराब बेचने वाले, शराब मैं बनाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बेचने की नहीं, और तुम्हारा ध्यान शराब में ही क्यों गया? ये प्रॉब्लम है, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं और कहाँ हमारा दिमाग चला जाता है, समझो। तो ऋग्वेदिक काल में अगर आप देखोगे प्रशासन की बात करें तो क्या था इनका प्रशासन? एक प्रकार से गणतांत्रिक समाज माना जाता है। यहाँ आप देखोगे कि राजा का बेटा राजा नहीं होता था, यहाँ राजा का चुनाव होता था। राजा मतलब, मेरी बात समझ रहे हो? फिर वही बात, राजा मतलब कंफ्यूज मत होइए, राजा मतलब कबीले का सरदार ही है, ये कोई बहुत बड़ा राजा नहीं हुआ करता था, छोटा मोटा इंसान हुआ करता था जिसको कबीले के लोग ही चुन लिया करते थे, तो इसको चुना जाता था। क्लियर? तो ये प्रशासन तंत्र कबीले के प्रधान के माध्यम से चलाया जाता था, उसके हाथ में होता था। और हमें पता चला है कि आगे जाकर राजा का पद आनुवांशिक हो गया, फिर जाके राजा का बेटा राजा बनने लगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले मैंने आपको बताया कि पहले राजा जो है वो एक प्रकार से साधारण व्यक्ति था और यही लोग मिलकर उसको चुन लिया करते थे। एक प्रकार से गणतांत्रिक व्यवस्था जो होती है ना, गणतंत्र क्या होता है, जिसको हम लोग रिपब्लिकन सिस्टम कहते हैं। रिपब्लिकन सिस्टम वो होता है जिसमें हेड ऑफ द कंट्री या देश का जो प्रमुख हो वो निर्वाचित हो एक निश्चित कार्यकाल के लिए। जब किसी देश का प्रमुख व्यक्ति निर्वाचित होता है एक निश्चित कार्यकाल के लिए तो उसे हम गणतंत्र के नाम से जानते हैं। तो ऐसा क्या हम कह सकते हैं कि ऋग्वेदिक काल एक गणतंत्र वाला काल था? बिल्कुल था, क्योंकि राजा को भले ही सारी जनता मिलकर नहीं चुन रही है कबीले की, लेकिन कबीले के ही कुछ लोग उसको चुनते हैं, उसका निर्वाचन होता है, तो एक प्रकार से रिपब्लिकन सिस्टम था, है ना। कबीले की आम सभा समिति कहलाती है। नहीं, आपने देखा होगा कि ये जो कबीले हुआ करते थे, इन कबीलों में निर्णय लेने के लिए कई प्रकार की इन्होंने कमिटीज़ बनाई हुई थी, है ना, अलग अलग प्रकार की संस्थाएं थी। हमें इस काल में आपको अलग अलग संस्थाएं जैसे सभा, समिति, विदत और गण, ये चार है। इसमें कई इतिहासकारों का मानना है कि सबसे प्राचीन जो संस्था थी वो विदत थी, है ना, प्राचीन की बात कर रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण तो नहीं थी पर प्राचीन थी। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण थी सभा और समिति, है ना, सभा समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। और हमारे यहाँ अथर्व वेद में अगर आप देखो तो ऐसा कहा गया है कि ये प्रजापति जो हमारे हैं, है ना, ब्रह्मा प्रजापति, आपको पता है किसको कहा जाता है? ब्रह्मा को कहा जाता है। तो प्रजापति की दो पुत्रियाँ मानी गई हैं, है ना, तो इन्हें प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया। ऋग्वेद के कबीलों के आधार पर बहुत से संगठन मिलेंगे, जो मैंने सभा, समिति, विदत, गण,
ये अलग अलग प्रकार की संस्थाएं हुआ करती थी, उसमें महत्वपूर्ण सभा समिति हुआ करती थी। ठीक है, स्त्रियों की बात करें इस काल में, तो मैंने बताया आपको पहले भी कई बार कि स्त्रियों बहुत अच्छी अवस्था में थी। ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, उनको काफ़ी सारे अधिकार हुआ करते थे, वो पढ़ने का अधिकार रखती थी, वेद वगैरह पढ़ने का अधिकार रखती थी, उनका उपनयन संस्कार होता था। ठीक है, जैसे हमारे आज भी होता है यज्ञोपवीत संस्कार बोलते हैं ना, 16 संस्कारों में से एक संस्कार, तो उनका उपनयन संस्कार हुआ करता था, पढ़ने का अधिकार रखती थी, महिलाएं अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी, अनुष्ठान में भाग लेती थी, है ना, काफ़ी अधिकार, संपत्ति में भी अधिकार दिया गया था, बाल विवाह नहीं होते थे, दहेज नहीं था, महिलाओं को सती नहीं किया जाता था इस काल में, महिलाएं जो है वो शादी अगर हो गई, पति मर गया, तो विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार था, इतने सारे अधिकार ऋग्वेदिक काल में महिलाओं को दिए गए थे। तो अगर आप देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्त्रियों की, जो भारत में महिलाओं की स्थिति प्राचीन काल से वर्तमान काल तक हमेशा एक जैसी नहीं रही, ऋग्वेदिक काल में काफ़ी अच्छी थी, हड़प्पा सभ्यता को भी मात्र सत्तात्मक ही माना जाता है, हड़प्पा में भी अच्छी मानी गई है, ऋग्वेदिक काल में अच्छी मानी गई है, उत्तर वैदिक काल में भी बहुत ज़्यादा बुरी नहीं थी, हालांकि कमज़ोर हुई, लेकिन उसके बाद भारत में महिलाओं की स्थिति लगातार गिरती चली गई, धीरे धीरे सारे अधिकार छीन लिए गए, सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित कर दिया गया, सिर्फ उनको चूल्हा और चौके तक सीमित कर दिया गया, पति की दासी बना दिया गया, पति की परछाई बना दिया गया, और उसका पति से अलग कोई अस्तित्व ही नहीं माना गया। धीरे धीरे ये स्थितियाँ खराब हो गई, अब वापस अच्छी होने लगी, वर्तमान में महिलाओं की स्थितियाँ फिर अच्छी हो रही है। कई सारे आपने देखा होगा कि आजकल महिलाओं के लिए कानून भी हैं, बराबरी का अधिकार भी दिया जाता है, इवन भारत का संविधान उनको समता का अधिकार देता है, और हम लोग आरक्षण के माध्यम से भी महिलाओं को आगे बढ़ा ही रहे हैं, पंचायतों नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है, अभी जो विधानसभा और संसद है लोकसभा, वहाँ भी हम महिलाओं के आरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब स्थिति पहले से वापस सुधरने लगी है, मतलब हम लोग फिर से ऋग्वेदिक काल की तरह महिलाओं की स्थिति को बेहतर बना रहे हैं। इस काल में वशिष्ठ और विश्वामित्र, मैंने आपसे कहा दो महान विद्वान व्यक्ति माने गए हैं, और ठीक है, वशिष्ठ और विश्वामित्र, वशिष्ठ थोड़े रूढ़िवादी थे और विश्वामित्र थोड़े से उदारवादी थे, है ना, विश्वामित्र को थोड़ा सा गुस्सेल भी माना जाता है, वशिष्ठ थोड़े शांत माने गए हैं। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, गायत्री मंत्र आपने सुना भी होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात। ये जो गायत्री मंत्र आप पढ़ते हो, आपके घर में भी बोला जाता होगा, ये ऋग्वेद से ही लिया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में रचना करने वाले व्यक्ति का नाम है विश्वामित्र, और ऋग्वेद के मंडल का नाम है, तीसरे मंडल का नाम है तृतीय मंडल, मतलब तीसरा चैप्टर जो है। ठीक है, इसके अलावा कई सारे अस्त्र शस्त्र चलाना जानते हैं थे ये लोग, युद्ध लड़ते हैं तो युद्ध तो भाई सीधी सी बात है कि युद्ध लड़ने के लिए हथियार तो चाहिए, तो हथियार चलाना तो जानते थे, बंदूक तो नहीं हुआ करती थी, सेना भाला कुठार तलवार वगैरह सब आता था इनको चलाने। अब ये व्यवस्था है, चरागाह या बड़े जनों का प्रधान राजपति कहलाता था, परिवार के व्यक्ति के प्रधान व्यक्ति को कुलपा कहा जाता था, जैसे हमारा होता ना मुखिया होता जो परिवार का हेड ऑफ द फैमिली। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी इकाई समाज की कौन सी है, हमेशा से परिवार। ऋग्वेदिक काल में भी समाज की सबसे छोटी इकाई थी परिवार, फैमिली, और फैमिली का जो मुखिया होता था उसे कुलपा कहा जाता था, कई जगह कुलप भी मिलेगा आपको, दरअसल ये मतलब है हेड ऑफ द फैमिली का, क्लियर। इसके साथ आप देखो लड़ाकू दल के प्रधान को ग्रामीण कहा जाता था, पूरे गांव का मुखिया होता था ग्रामीण, है ना, जैसे हम लोग सरपंच कह सकते हैं, प्रधान जी कह सकते हैं, मुखिया जी कह सकते हैं, है ना, वही ग्रामीण या ग्रामणी भी मिलेगा, कई जगह आपको ग्रामणी भी मिलेगा, ये शब्द ऐसा भी है, ग्रामणी, ग्राम का प्रमुख। ठीक है, अब जो मैंने आपको पॉइंट बताया था उसको याद करिए, क्या कहा था मैंने आपसे, लाइक नहीं कर रहे हो भाई, सेशन को लाइक भी कर दो अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज पूरी हो, इसमें हम लोग पूरा प्राचीन भारत पढ़े, पूरा इतिहास का फाउंडेशन कोर्स करें, तो आप लोगों से सहयोग अपेक्षित है, सेशन को डेली अटेंड करिए, जब भी मैं लूँ बीच में मत छोड़िएगा, और आखिरी तक सेशन को देखना है, लाइक और शेयर भी करना है, और कैसे बताओगे कि हम आपके साथ हैं, बताओ बताओ, आपको अगर ये बताना हो कि आप सर हम आपके साथ हैं, आप बढ़िया आगे हम आपके साथ हैं, तो कैसे बताओगे,
जब तक अप्रिशिएट नहीं करोगे, जब तक इस तरीके से साथ नहीं दोगे, घर बैठे मन में बोलने से नहीं होगा, है ना। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि राजा नियमित सेना नहीं रखता था। राजा आजकल के राजा की तरह या पुराने राजा की तरह नहीं था, इनके पास कोई सेशन जो है ना, अब देखो सेना वेना नहीं हुआ करती थी, कबीले के लोग ही इनका साथ दिया करते थे सेना के तौर पर। व्रात गण ग्राम सर्द नाम से विदित कबायली टोलियाँ जो है वो युद्ध के समय लड़ाइयाँ लड़ती थी। परिवार मैंने आपको बताया सामाजिक रूप से सबसे छोटी इकाई जो है वो है परिवार, परिवार का मुखिया कुलपा है ना। तो सामाजिक संगठन का आधार गोत्र हुआ करता था, जन्म मूलक संबंध पर आधारित रहा था। राजाओं के नाम का उल्लेख नहीं मिलता, लोगों की सबसे अधिक आस्था कबीले के प्रति थी जिसे जन कहा जाता। अभी मैंने आपको बताया कि हर एक जन का मतलब एक कबीला था, आर्य पांच कबीले में बटे थे इसीलिए उनको पंच जन कहा जाता था। जन के सदस्यों की संख्या 100 से अधिक नहीं रही होगी, मतलब बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा था ना, इसीलिए जन। आगे जाके मैंने कहा ना जनपद बना और महाजनपद बना, तो जन का मतलब कि 100 से भी कम लोग एक कबीले में पाए जाते थे। वैश्य नामक बहुसंख्यक वर्ग का उदय इसीलिए कबीले जन समूह से हुआ, ठीक है। ऋग्वेद में आपको परिवारवाचक कुल शब्द का प्रयोग नहीं मिलेगा, जैसे आजकल कुल का यूज करते ना, किस कुल से हो, इसमें केवल माता पिता पुत्र दास ही नहीं बल्कि और भी कई लोग परिवार में माने जाते थे। आरंभिक वैदिक अवस्था में परिवार के लिए गृह शब्द का प्रचलन था। आजकल हम लोग एक भवन के लिए, एक संरचना इमारत के लिए यूज करते हैं ना, घर, गृह, घर, होम, क्या होम स्वीट होम, कई सारे लोग बोलते हैं ना, घर बोलते हैं संस्कृत में, गृह बोलते हैं है ना इंग्लिश में, होम बोलते हैं। तो ये जो गृह शब्द है ना, ये आपके घर के लिए यूज नहीं किया था, गृह का मतलब होता था परिवार, है ना, परिवार के लिए। आरंभिक वैदिक अवस्था में आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर वो लोग कह रहे हैं गृह, है ना, तो इसका मतलब होता है परिवार उनका, फैमिली। ऋग्वेद में बेटी की कहीं भी कामना व्यक्त नहीं की गई है, हालांकि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। प्रजा और पशु की कामना आपको बार बार मिल जाएगी। स्त्रियों की बात मैंने आपसे की कि स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, स्त्रियां सभा में भाग ले सकती थी, मतलब स्त्रियां तो लगभग लगभग सारे काम जो आजकल की महिलाएं करती हैं ना वो सारे कर सकती थी, पढ़ सकती थी, ठीक है, पति के साथ सारे क्रियाओं में भाग ले सकती थी, चाहे पूजा पाठ अनुष्ठान धार्मिक कुछ भी हो, साथ ही अपने पतियों के साथ यज्ञ में आहुति दे सकती थी। जैसे आजकल की महिलाएं विधानसभा लोकसभा में जाती हैं कि नहीं जाती हैं, आजकल की महिलाएं मंत्री बनती हैं, यहाँ तक कि हमारी तो राष्ट्रपति भी एक महिला है। इससे बड़े गर्व की बात क्या होगी इस देश के लिए कि हमारे देश की प्रथम नागरिक एक महिला है। बताओ शुरुआती महिला से होती, हम तो बहुत बाद में आते हैं। वरीयता क्रम की अगर बात करें तो सबसे पहले एक महिला है और महिला के बाद सारे आप यहाँ आपको मिल रहे हैं। कई सारे राज्यों में आपको मुख्यमंत्री महिला मिल जाएंगी, राज्यपाल महिला मिल जाएंगी, मंत्री महिला मिल जाएंगी, विधानसभा लोकसभा के सदस्य महिला मिल जाएंगी, आईएएस आईपीएस, तो बहुत बात की बात है। तो उस काल में भी ऐसा ही था, स्त्रियां सभा में भाग ले सकती थी और बहुपति प्रथा के संकेत भी मिलते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ऋग्वेदिक काल का समाज तो हमसे भी ज़्यादा ओपन था, जानते हैं आप, नियोग प्रथा या ये जो हम लोग देख रहे बहुपति प्रथा के संकेत के एक औरत के कई सारे पति हो जाना, ये बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे चले जाता है, ठीक है। यहाँ नियोग प्रथा, विधवा विवाह के प्रचलन का भी आभास मिलता है और बाल विवाह नहीं है, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं आपको, बाल विवाह नहीं है, बुरी चीज़ें नहीं मिलेंगी, दहेज प्रथा नहीं है, पर्दा प्रथा नहीं है, सती प्रथा नहीं है, विधवा विवाह है, स्त्री शिक्षा है, आप समझ रहे हो उस बात को। और हम इनको क्या कह रहे हैं, कबीलाई समाज, हमसे तो अच्छे ही थे यार ये कबीले के लोग। आज भी कई सारे लोग अच्छे अच्छे पदों पर चले गए, ठीक है, पढ़ लिख गए, पर उनकी मानसिकता महिलाओं के प्रति आज भी वैसी है। तो मुझे लगता है कि आपसे अच्छे तो ऋग्वेदिक काल के लोग थे, कम से कम इतना ज़्यादा उन्होंने महिलाओं के लिए सोचा। बाल विवाह का उदाहरण नहीं है, दहेज का उदाहरण नहीं है, पर्दे का उदाहरण नहीं है, आप सोचो कि जितनी हम लोग महिलाओं की बाद में दुर्गति देखते हैं, महिलाओं की जितनी हम लोगों ने आगे जाके देखा ना कि उनके साथ बहुत कुछ गलत हुआ, वो सब यहाँ नहीं है। आ गया समझ में? Is that clear? Even ये लोग पता है आपको कैसे हैं? ये लोग जो हैं ऐसे बोलते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये देखो आप महिलाओं को
स्त्रियों को इस लेवल का सम्मान दे रहे हैं कि ये मानते हैं कि महिलाओं का सम्मान, पूजा करने का मतलब आरती उतारना नहीं था, पूजा करने का मतलब जो है ना उनके आगे अगरबत्ती लगाना नहीं था, पूजा करने का मतलब उनका सम्मान करना था कि अगर आप महिलाओं का सम्मान करते हो तो मतलब आप जो है देवताओं को प्रसन्न कर सकते हो। जहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं होता, जहाँ महिलाओं का आदर नहीं होता, रिस्पेक्ट नहीं होती, वहाँ तो देवता भी नहीं आते, कितना ही पूजा पाठ कर लो आप। और ये आजकल के लोगों को भी समझने की ज़रूरत है जो बहुत सारे पूजा पाठ, अरदास, इबादत, नमाज सब फलाना फलाना करते हैं ना, व्रत, उपवास, फास्ट, रोजा, सब कोई फ़ायदा नहीं है उसका। घर की औरत से अगर सीधे मुँह बात नहीं करते हो, अगर किसी महिलाओं को अगर आप सही से सम्मान नहीं दे सकते, छोड़ दो सब बर्बाद, कोई मतलब नहीं है उसका। तो ये इस तरह का समाज था, हालांकि समाज पितृसत्तात्मक था। अगर आप देखें तो ऋग्वेदिक काल के समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी होते हुए भी समाज पितृसत्तात्मक था। और पितृसत्तात्मक से हमारा मतलब ये था कि पिता के बाद पिता का नाम बेटे को दिया जाता था, है ना। समाज में पुरुष प्रधान थे, इसमें कोई दोराय वाली बात नहीं है। सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्म मूलक था। समाज की सबसे छोटी और आधारभूत इकाई जो मैंने आपको बताया परिवार थी, फैमिली जो है कुल थी, और उसका जो प्रमुख था वो कुलपा कहलाता था, जो अभी मैंने आपको बताया। कुलप, कुलपा सब एक जैसे ही शब्द हैं। महिलाओं को यथोचित सम्मान था, पितृसत्तात्मक। अभी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है, यहाँ से आपको मेंस में क्वेश्चन मिल सकता है कि ऋग्वेदिक काल में पितृसत्तात्मक समाज के होते हुए भी हम कैसे कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, या महिलाओं की स्थिति अच्छी थी तो पितृसत्तात्मक समाज क्यों था। आ गया समझ में? तो इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ऋग्वेदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी, है ना, ये ज्वाइंट फैमिली में रहने वाले। दरअसल अभी तो मैंने आपसे कहा कि ये लोग बड़े प्रेमी लोग थे, आपस में ऐसे ना, हमारे यहाँ जैसे लोग किचकिच होते ना घर के अंदर, वैसा नहीं होता था इनमें। ये तो गृह का मतलब ही परिवार से ले रहे हैं, आप सोच लो। ये लोग कुटिया या इनके जो घर की इमारत है या जो घर का स्ट्रक्चर है, जो आर्किटेक्चर है या जो भी, उसको घर नहीं कह रहे, ये परिवार को गृह कह रहे हैं। तो ये लोग ज्वाइंट फैमिली में दादा दादी नाना नानी पोता पोती सब साथ में रहते थे, ठीक है, पूरा के पूरा परिवार एक साथ रहता था, ज्वाइंट फैमिली। आजकल आप भारत में पढ़ते हैं तो बड़ा ऐसा लगता है कि अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है। कुछ साल पहले तक था, आपने अपने पिताजी से पूछिएगा, दादाजी से पूछिएगा, वो ऐसे ही ज्वाइंट फैमिली में ही रहे हैं। आज भी कई लोगों की है, ऐसा नहीं है, अपवाद तो हर जगह होते हैं। आज भी आप देखोगे कि कई जगह पर लोग ज्वाइंट फैमिली में हमारे आसपास, आप में से कई लोगों के रहते हैं, कमेंट बॉक्स में बता देना जरा कि कौन कौन है आप में से जिनके घर में जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में जो रहते हैं। मेरा एक स्टूडेंट था, उसके यहाँ पे 30 लोगों का परिवार, 30 लोगों का परिवार एक साथ रहता है, सारे ताऊ चाचा चाची उनके बच्चे दादा दादी सब साथ में रहते हैं। परिवार में एक ही जगह पर खाना बनता है, सब महिलाएं घर की मिलके खाना बनाती है, पुरुष जो है वो खेती करते हैं साथ में, एक ही परिवार। आजकल वैसे गाँव में पॉसिबल, शहरों में तो पॉसिबल नहीं है, पर गांव में आज भी ऐसा होता है कि आपको जॉइंट फैमिली मिल जाएगी। ये एक सोशल इशू है वैसे अपने आप में, सामाजिक मुद्दा है कि भारत में आखिर क्यों सामाजिक रूप से हम संयुक्त परिवार से एकल परिवार की तरफ चले गए, उसके क्या कारण रहे हैं, कि हम जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में कैसे चले गए, ठीक है। तो ये संयुक्त परिवार वाले, वर्ण व्यवस्था के चिन्ह मिल जाएंगे। क्या वर्ण व्यवस्था थी? जातिवाद था? जातिवाद नहीं था, जातिवाद नहीं था, लेकिन वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति यहाँ से मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद में 10 मंडल थे, मतलब 10 चैप्टर, और जो 10वां चैप्टर था, 10वां मंडल था, उसमें आपको मिल जाएगा जाति वर्ण व्यवस्था। मतलब ऐसा माना जाता है कि पहली बार वर्ण के बारे में यहीं पर आया है कि भाई परमपिता परमेश्वर जो है उनसे चार प्रकार के, उनके शरीर से काया से चार अलग अलग अंगों से चार प्रकार की जो है, ठीक है, वर्ण बने, वर्णों की उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र नाम दिया गया उनको। हालांकि ये वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जन्म पर नहीं थी। आपका जन्म किस में हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ता, आप क्या करते हैं उससे फर्क पड़ता है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो ऊपर के वर्ण में जाएंगे, अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो नीचे के वर्ण में जाएंगे, और शायद उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में जाके कालांतर में यही वर्ण व्यवस्था जन्म पे हो गई, मतलब अब व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म ले लिया वो उस वर्ण का हो गया। पिता अगर अच्छे वर्ण में तो बेटा अच्छे वर्ण में मान लिया गया, और पिता अगर नीचे माने वाले वर्ण में तो वो भी नीचे माना जाने लगा। ये गलत बात थी कि अगर अब वो कुछ भी कर ले, आप समझ लो मेरी बात,
कि वो कुछ भी कर ले तो वो उस चीज़ को धो नहीं सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता उस चीज़ से। दुनिया का ज्ञान अर्जित कर ले तो भी उसको जो है वो सम्मान नहीं मिलेगा जो वो योग्य है उसके, जिसके वो योग्यता रखता है। तो इन्होंने वर्ण व्यवस्था की शुरुआत आप देखोगे कि 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त है। पुरुष हमारे यहाँ पे भगवान विष्णु को माना गया है और उनकी स्तुति में, उनकी प्रशंसा में कुछ मंत्र रचे गए हैं सूक्त के रूप में, और उसी को पुरुष सूक्त कहते हैं, है ना। उसी में आपको मिलेगा ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः उरु यदस्य वैश्य पदभ्यान शूद्र अजायत। इस मंत्र का, इस श्लोक का मतलब यही है कि उनके मुख से ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति हुई, ठीक है, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति हुई, उनकी जंघाओं से थाइस जिसको कह सकते हो वहाँ से वैश्य वर्ण की उत्पत्ति हुई, और उनके चरणों से, उनके जो पैर हैं वहाँ से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई। ये इसमें आपको श्लोक का अर्थ बता रहा हूँ, ठीक है। इससे पहली बार तो इस विराट पुरुष के मुख से, ब्राह्मण क्षत्रिय भुजाओं से, जंघाओं से मतलब जांघों से, थाई से वैश्य, और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए, ये इसमें आपको ऋग्वेद में। हालांकि एक बात और आपको पता होगी कि ऋग्वेद में जो मैंने आपसे बताया कि 2 से 7 पुराने हैं, जिस मंडल के बारे में मैं आपको भी बता रहा हूँ, जिस मंडल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में कहा गया है, ये मंडल बाद में जोड़ा गया है। ओरिजिनली ये वेद ऋग्वेद का प्राचीनतम हिस्सा नहीं है, तो हम ये भी मान सकते हैं कि इसको ऋग्वेद में हो सकता है किसी ने जानबूझ के जोड़ दिया हो इंटेंशनली। क्या वो समाज में इस प्रकार का व्यवस्था लाना चाहता हो तो उसने इस, ताकि उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए कि वेदों में ऐसा लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि बाद में ऐड कर दिया हो, क्योंकि ओरिजिनली तो ऋग्वेद के प्राचीनतम मंडल 2 से 7 ही हैं। 2 से 7 मैंने ना पहला 10वां बाद में जोड़ा गया है, और ये तो 10वें मंडल में लिखा हुआ है। आप समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग इसको ऋग्वेद का सहारा देते हैं, ऋग्वेद के द्वारा समर्थित बताते हैं, या ऋग्वेद के द्वारा उत्पत्ति जो इसकी बताते हैं, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि ये बाद में जोड़ा गया है। आ गया समझ में कि नहीं। तो महिलाओं की बात करते थे, इस काल में स्त्रियां अपने साथ पति के साथ यज्ञ कर्म में भाग लेती थी, बाल विवाह सती प्रथा पर्दा प्रथा नहीं थी, पुत्रियों का, महिलाओं का उपनयन संस्कार हुआ करता था। 16 संस्कार आप लोग जो पढ़ते हैं, ठीक है, तो 16 संस्कारों में से एक संस्कार होता है उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार भी बोलते हैं इसको, कई लोगों का आप में से हुआ भी होगा। तो उस संस्कार के बारे में देखो कि महिलाओं को, पुत्रियों को, कि इस संस्कार के बिना वेद नहीं पढ़ सकते, मतलब वेद पढ़ने के लिए आपका उपनयन संस्कार होना जरूरी था। अब जिसका उपनयन संस्कार नहीं हो सकता वो पढ़ नहीं सकता, तो महिलाओं को उपनयन संस्कार का अधिकार था, वो पढ़ सकती थी। बाद में उनसे उपनयन संस्कार का अधिकार छीन लिया तो पढ़ने का अधिकार भी चला गया। शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, उनको भी पढ़ने का अधिकार नहीं मिला। तो इस तरीके से उस वर्ग को अलग कर दिया गया। विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में थी, विधवाओं को शादी करने का अधिकार था। 1856 में ईश्वरचंद विद्यासागर साहब को और उनके जैसे कई समाज सुधारकों को एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, ठीक है, किस चीज़ के लिए? विधवाओं को शादी का अधिकार दिलाने के लिए। बताइए, शर्मिंदा होने की बात है कि नहीं है? हजारों साल पहले विधवाओं को शादी का अधिकार था। ऋग्वेद काल की बात करें 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, तो वर्तमान काल से अगर इसको जोड़ने की कोशिश करें तो लगभग ये 3 से 4 हजार साल पुरानी बात है। 3-4 हजार साल पहले आप महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दे रहे हैं, 3-4 हजार पहले विधवाओं को शादी का अधिकार दे रहे हैं, तो अब क्या इशू है आपको? लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ा? इसके लिए जो है लड़ाई लड़नी पड़ी, और आखिरकार उनको जो है विधवाओं को अधिकार हमने दिया, शादी का अधिकार दिया, ठीक है। चलो, तो इस सेशन को यहीं तक रखेंगे, अगले सेशन में ऋग्वेद थोड़ा सा ही बचा है उसको पूरा करेंगे, और ऋग्वेद के बाद हम चलेंगे उत्तर वैदिक काल की तरफ, है ना। कल से, लेकिन क्या आप लोगों को याद है? भूलोगे तो नहीं? सभी लोग कल थोड़ा सा समय निकालिएगा, कहीं भी अगर आपका कोई पहले से फिक्स प्लान है तो उसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए, और कल 12 बजे से आप लोगों का इकोनॉमिक्स का, जो आप बहुत दिनों से मांग कर रहे थे, मैं वो सेशन शुरू करवाने जा रहा हूँ। त्रिवेदी सर आपको
मैराथन सेशन लेके एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हो ना इकोनॉमिक्स, कि हमें तो ये भी नहीं पता है कि अर्थशास्त्र क्या होता है, तो आ जाइए कल दिन में 12 बजे। यहाँ आपको एक मैराथन सेशन मिलेगा इसी चैनल पर, लिंक टेलीग्राम पर मिल जाएगी चंचल कुमार सर ऑफिशियल पे, इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी, आपको जहाँ सब अवेलेबल है, आप बस इच्छा शक्ति दिखाइए, ठीक है। तो हम लोग नहीं, मैं अभी तो नहीं पढ़ा सकता, आपको अभी त्रिवेदी सर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी आप उनसे पढ़ के तो देखिए आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। कई बार जो चीज़ के बारे में हमें पता नहीं होता ना, तो हमेशा से हम थोड़ा सा संदेह के शिकार हो जाते हैं, पर जब हम उससे जुड़ते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें समझने आती हैं, अच्छा लगता है। पूर्वाग्रह नहीं रखिए कभी भी, है ना। तो आप लोग कल से इकोनॉमिक्स का सेशन ज़रूर शुरू करेंगे, ज़रूर देखेंगे, आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ, और उसको भी, उस सीरीज़ को भी इतना ही प्यार देंगे, सहयोग देंगे, जितना हमारी बाकी सीरीज़ को मिलता रहा है। ये भी आप लोगों के लिए ही है ना, जीरो टू हीरो सीरीज़ है, आपको बढ़िया बेसिक टू एडवांस इकोनॉमिक्स मिल जाएगा उसमें, तो उसको देखिएगा। मेरी अगली क्लास होगी परसों मंडे को ठीक 12 बजे, है ना। अगली क्लास में हम लोग ठीक 12 बजे स्पेक्ट्रम की हमारी जो सीरीज़ चल रही है, मुझे पता है कई सारे बच्चे मैसेज करते हैं ना स्पेक्ट्रम की सीरीज़, तो स्पेक्ट्रम में आपको पढ़ाने वाला हूँ सोमवार को 12 बजे ठीक, और उसके अगले दिन फिर हमारा वही सेशन जो चल रहा है वो होगा। चलिए, तो आपसे फिर मुलाकात होगी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते सेशन को अगर अभी भी लाइक नहीं किया हो तो बटन आपके सामने है, प्लीज़ गाइस सेशन को लाइक कर दो और इसको शेयर कर दो, और शेयर करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, UPSC विद चंचल कुमार सर, और टेलीग्राम चैनल है चंचल कुमार सर ऑफिशियल, कहीं भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर आपको प्रतिज्ञा IAS के नाम से पेज मिलेगा, ठीक है। 80,000 से ज़्यादा बच्चे, 81,000 जो है बच्चे फेसबुक पर प्रतिज्ञा IAS के पेज से जुड़े हुए हैं, आप फेसबुक पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, प्रतिज्ञा IAS के नाम से हमारा पेज बना हुआ है उज्जैन में, मैं खुद प्रतिज्ञा IAS का डायरेक्टर हूँ। आप लोग अगर ऑफलाइन मोड में मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो उज्जैन में आपका स्वागत है, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।